नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ एट इंडिया एट नाइन में इस वक्त बड़ी खबर जो है वो बायरीच से आ रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बायरीच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ और उससे इस वक्त हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के बायरीच से बता दें, जहाँ पर दुर्गा विसर्जन के दौरान आपत्तिजनक नारों के बाद फायरिंग में बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक जुलूस में शामिल लोगों ने कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए, जिसके बाद एक समुदाय विशेष ने लोगों को ने जवाब में पथराव और फायरिंग कर दी। इसमें एक युवक की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। हिंसा से पूरे इलाके में तनाव है। आगजनी की घटना भी जगह जगह पर देखी गई है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। घटना के विरोध में बायरीच में कई जगह पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस रोक कर सड़क जाम कर दी गई है। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। रणवीर, हालात अभी भी क्या तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्या इस वक्त जमीन पर स्थिति है? देखिए, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि हालात बिगड़ रहे हैं, और ये समझना हो तो जरा इस तस्वीर को देखिए। ये महाराजगंज जाने वाला रोड है जिसको इस वक्त सैकड़ों लोगों ने जाम कर रखा है, और बहराइच में न सिर्फ ये सड़क बल्कि फकरपुर हो, शहरी इलाका हो या बाकी सारी जगहों पर इसी तरह से पूरे शहर में लोग नारेबाजी कर रहे हैं और सड़कों पे जाम करके रखा है। मेरे पीछे आप देखिए, गाड़ी एसडीएम की गाड़ी है जो कि महाराजगंज की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन उस गाड़ी को भी लोगों ने जाने नहीं दिया है। हम भी जब आ रहे थे फकरपुर के पास में, तब भी वो हमें वहाँ पर भी मूर्ति जो प्रतिमा लेकर के लोग जा रहे थे विसर्जन के लिए, वो सारे लोगों ने हाईवे पर प्रतिमाएं खड़ी कर दी हैं और कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो मूर्ति विसर्जन करने नहीं जाएंगे। और लोग नारेबाजी कर रहे हैं, फकरपुर हो, इसके बाद मेडिकल कॉलेज जहाँ पे जो मृतक है उसका शव रख करके लगभग 500 लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब बहराइच शहर से आप अलग अलग जगहों पर निकलेंगे तो इस तरह से देखिए, लोगों के हाथों में डंडे हैं, नारेबाजी है और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। और ये भीड़ हम जहाँ जहाँ से आए हैं, अभी पीछे से हमें अलग अलग जगहों पर इस तरह से नारेबाजी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लगातार इस हालात बिगड़ रहे हैं। और आज हुआ क्या बहराइच में, बहराइच में प्रतिमा का विसर्जन होना था और प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक मस्जिद के पास जब विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, इस बीच आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ और उसके बाद फिर लोगों ने फिर गाली गलौज शुरू की और हालात ये हो गया कि वहाँ पर पहले पथराव हुआ, फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। इन लोगों से जानते हैं, भैया ये बताओ, घटना यहाँ से 8 किलोमीटर दूर हुई है? 2 किलोमीटर। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे कब से बैठे हो, कब तक बैठे हो? हम लोग 2 घंटे से बैठे हुए हैं और अभी हम लोग जब तक इसका फैसला नहीं हो जाएगा तब तक यहीं पे बैठेंगे। फैसला क्या चाहते हैं? हम लोग जो चाहते हैं कि जो है सर, उस घटने का मैं लाल प्रताप चतुर्वेदी मौके पे उपस्थित था। हमारे साथ एसडीएम महसी कोतवाल हरदी, चौकी प्रभारी तहसील महसी पुलिस चौकी, जितने भी एसआई थे सब लोग। पूरी बात ही जल्दी यहाँ से हम लोग पहुँचे मौके पे तो एक लड़के ने ईंटा मार दिया मूर्ति पे, उसको लेके विवाद शुरू हुआ, पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। मैं एसडीएम महोदय महसी और कोतवाल से बराबर कहता रहा पुलिस मंगवा लीजिए, फोर्स बुलवा लीजिए। वही थे? हाँ, वही मौके पे साथ ही खड़े थे। पुलिस बुलवा लीजिए, बवाल हो जाएगा। कोतवाल ने पब्लिक पे लाठी चार्ज करवा दिया, जो भक्तगण गए थे फायरिंग किधर से, फायरिंग एक हमीद के लड़के ने, अब्दुल हमीद, उस लड़को घर में खींच ले गए, उसको वहाँ गोली मार दी, उसके बाद उसके दोनों पैर के अंगूठे के मतलब नाखून प्लास से खींच लिए। बात हुई ये कि जब हम लोगों ने वहाँ धरना कर दिया, वहाँ बैठ गए हम लोग, जब उसने पत्थर फेंका तो हम लोग बैठ गए कि प्रशासन क्या कर रहा है, ये कहाँ का न्याय है। तो हम लोग जब बैठ गए तो यहाँ के एसओ साहब ने, एसओ हरदी ने तुरंत वहाँ पे लाठी चार्ज करवा दी। पब्लिक पे भगदड़ मची, पब्लिक इधर उधर भगी तो रोड पे ही सबके घर हैं। उधर अब्दुल हमीद का घर है, अब्दुल हमीद के घर से 4 लोग बंदूक लेकर निकले और जो लड़का हमारे यहाँ का मरा है राम गोपाल, उसको ले गए अंदर और 13 गोली। आप वहीं थे? मैं वहीं प्रत्यक्षदर्शी हूं भाई साहब, प्रत्यक्षदर्शी। प्रशासन भी हम लोग को प्रताड़ित कर रहा था और
धर से 500 मुस्लिम प्रशासन भी प्रताड़ित कर। कब तक बैठेंगे यहाँ सर? सर 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 किसी को जाने नहीं देंगे, एक 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 किसी को आगे नहीं जाने देंगे। नहीं, पूरे जिले में प्रदर्शन हो रहा है, हम लोग की मांग ये है उनका एनकाउंटर होना चाहिए, चलना चाहिए सर। ये क्या लेके आप सर, क्या करें? हिंदू जो सुरक्षित नहीं है सर, हम लोग क्या करें? सुरक्षा करना पड़ेगा ना सर। आप देखिए हाथों में, हाँ हाँ, हम लोग की मांग ये है कि पूरे महाराजगंज की हर एक मुस्लिम के घर की तलाशी हो, अवैध जितने भी हथियार हैं उनके लिए जाएं। अभी हाँ ठीक, समझ गए। एक पुलिस प्रशासन, तो आप देखिए कि बहराइच में न सिर्फ इस जगह पर जहां मैं मौजूद हूं, यहां से आगे की तरफ जो हिंसा हुई है वो यहां से थोड़ी दूर पर हुई है, और हम जब बहराइच की तरफ आ रहे थे, बहराइच जिले में घुसते ही प्रतिमाएं रखी गई हैं सड़कों के किनारे, भारी पुलिस बल है, न सिर्फ इस इलाके में जहां महाराजगंज में, बल्कि बाकी भी जितने भी इलाके हैं वहां पर लोग इसी तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। नाराजगी प्रशासन से है, आरोप ये है कि जब मूर्ति लेकर जा रहे थे पहले आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, उसके बाद फायरिंग की गई, और फायरिंग में एक शख्स जिनकी ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मत दिखाइए अभी, उसमें हम लोग को ब्लर करना होता है, तो ये जो है एक लड़का जिसका रामगोपाल मिश्रा नाम है, उसको गोली लगी, अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है, और इस वक्त वो बॉडी रख करके जो परिजन और समर्थक हैं वो बहराइच के मेडिकल कॉलेज पे हैं, वहाँ भी लगभग 400 के आसपास हैं, और ये बता रहे हैं इनको छर्रा लगा हुआ है, तो ये लोग भी वहाँ पर मौके पर थे, तो ये इनका दावा ये है कि वहाँ पर 400-500 के लोग आसपास लोग बैठे हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो भीड़ है ये इसी तरह से अलग अलग जगहों पर पूरे शहर में, हमें कम से कम 5 जगहों पर बहराइच शहर में दाखिल होने के बाद 5 जगहों पर हमें रोका गया है, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लोगों की कहना यह है कि कार्रवाई हो, फिलहाल पुलिस उन लोग को आइडेंटिफाई करे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। रणवीर, एक तो रणवीर सुरक्षित रहिए क्योंकि आपके आसपास इस वक्त जो लोग हैं काफी उत्तेजित लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और इस वजह से थोड़ा आपको भी अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा, लेकिन बस एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगा, प्रशासन अभी क्या कर रहा है? आप कह रहे हैं पुलिस कई जगह पर मौजूद है, तो क्यों नहीं अभी तक रास्ते खुलवाए जा सके हैं? प्रशासन अब क्या कर रहा है? देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मैं जब फकरपुर से आ रहा था, बहराइच शहर की तरफ से आ रहा था, और जब मैं महाराजगंज की तरफ आया तो अलग अलग जगहों पे गांव के लोग निकल के सड़कों पे बैठे हैं। ये जगह जहां मैं हूँ, जरा इस तस्वीर को देखिए, चारों ओर आपको अंधेरा दिखेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको आसपास दिखाई दे रहा है, और आसपास के जो गाँव के लोग हैं वो सारे गाँव के लोग यहाँ पर सड़कों पर आए हैं, और इसी तरह से पूरे बहराइच शहर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जगहों से लोग निकल के इस तरह से सड़कों पर आ रहे हैं, और आ करके लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक जगह नहीं बल्कि ऐसी कम से कम 50 जगह होंगी जहाँ छोटे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, और प्रशासन को रोका जा रहा है। मांग ये है कि कार्रवाई हो, मांग ये है कि गिरफ्तारी हो, क्योंकि रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है, और इस वजह से हालात बहुत तनावपूर्ण हैं, और बहुत संवेदनशील मामला है, दो गुटों दो पक्षों का, और इस वजह से जो लोग हैं उनकी कार्रवाई की मांग है, लेकिन प्रशासन फिलहाल पुलिस और पैरामिलिट्री दोनों का इस्तेमाल कर रही है, और जो मौके पर जहाँ घटना हुई है यहाँ से थोड़ा आगे है जहाँ हम जाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिलहाल इन लोगों ने अभी फिलहाल रोक रखा है, वहां पर भी भारी पुलिस बल है, पैरामिलिट्री है, और रास्ते में भी पुलिसकर्मी हमें भी रोक रहे थे, बहराइच से जब हम आते हैं महाराजगंज की तरफ मुड़ने के लिए तब भी पुलिस ने हमें कहा कि मत जाइए क्योंकि यहां पे प्रदर्शन हो रहा है, तो पुलिस मौजूद है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल कार्रवाई के नाम पर लोग इस तरह से जो सैकड़ों की संख्या में यहां पर हैं वो इकट्ठे हैं, तो अलग अलग जगहों पर जो लोग हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो जी तो यहाँ तमाम सारे जो स्थानीय नेता हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी लोगों को समझाएं, लेकिन फिलहाल लोग मानने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, अपना ध्यान रखिए, इस वक्त हालात संवेदनशील हैं, काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि पहले हालात को काबू में लिया जाए और उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करे। एक व्यक्ति की इसमें मौत भी बताई जा रही है। रणवीर रिपोर्ट कर रहे थे सीधे बहराइच से, घटना से करीब जस्ट 2 किलोमीटर दूर हैं, और वहाँ पर जगह जगह पर लोगों ने जिस तरीके का भीड़ में रोका हुआ है, सड़क पर रोका हुआ है, वहाँ से रणवीर इस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। चलिए अब सीधे मुंबई चलते हैं, जहाँ पर मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के विधायक बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार चल रहा है। उनका जो इस वक्त उनको अपने घर से लेकर जो जनाजा है उनका कब्रिस्तान पहुंचा है, जहां उन्हें सुपुर्द-ए-खाक
किया जाएगा। कल रात करीब 9:30 बजे 3 शूटर्स ने 6 राउंड फायरिंग कर बांद्रा में उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में अभी तक 4 आरोपियों का पता चला है, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों की आज मुंबई के किला कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने गुरमेल सिंह नाम के आरोपी को 21 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि दूसरे आरोपी ने खुद को नाबालिग बताया है, जिसकी उम्र की जांच इस वक्त जो है वो कराई जा रही है। जब तब तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में इसको रखा जाएगा। इस मामले में 2 अन्य आरोपी शिव कुमार और जीशान अख्तर अभी फरार हैं। इस बीच हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही इसमें लॉरेंस और अनमोल को हैशटैग किया गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या शनिवार रात को उनके विधायक बेटे जीशान के बांद्रा स्थित ऑफिस के सामने बांद्रा ईस्ट में की गई थी। गोलियां उनके सीने और पेट में लगी। बाबा सिद्दीकी 3 बार बांद्रा से विधायक रहे हैं। इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार के NCP गुट में शामिल हुए। सनसनीखेज मामला है, ना सिर्फ पॉलिटिक्स का अगर देखा जाए, राजनीति से जुड़े हुए रहे बाबा सिद्दीकी, बल्कि बॉलीवुड यानी कि फिल्मी हस्तियों के साथ भी उनकी खासी पैठ थी। बिजनेस में साथ ही साथ जो बिल्डर्स थे मुंबई के, उसमें भी उनकी काफ़ी पैठ थी। तो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद कहें तो कहीं ना कहीं मुंबई का जो पूरा एक पूरा दर्जा है, ए लिस्टर्स जिन्हें आप कहते हैं, वो सकते में। बांद्रा में बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, शूटर कैसे भागे, इन सवालों के जवाब हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट दे रही है। बांद्रा का ये वही इलाका है जहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया। आखिर कैसे शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, ये मैं आपको समझाता हूं। मेरे सामने जो ये गली है, इस गली के अंदर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का दफ्तर है। शनिवार करीब 9 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी उसी दफ्तर से निकलकर इस तरफ को आ रहे थे और उसी वक्त यहाँ पर एक नवरात्रि की जो शोभा यात्रा है वो निकाली जा रही थी, जिसमें पटाखे भी चल रहे थे और काफ़ी शोर भी हो रहा था। बाबा सिद्दीकी जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर उनकी जो गाड़ी थी वो पहले से पार्क हुई थी, यानी कि गाड़ी उन्होंने यहाँ पार्क कर रखी थी, लेकिन इसी गाड़ी के आसपास जो 4 शूटर थे वो यहाँ पर करीब आधा घंटे पहले से घात लगाकर खड़े हुए थे। जैसे ही बाबा सिद्दीकी यहाँ पर पहुँचे, जो शूटर थे उन्होंने यहाँ पर कोई स्प्रे चलाया जिससे कि धुआं सा हुआ और लोगों को लगा कि जो पटाखे चलाने वाले लोग हैं उन्होंने ऐसा किया है। इसी बीच शोर के बीच, पटाखों के शोर के बीच, जो 4 शूटर हैं उन्होंने बाबा सिद्दीकी के सीने और पेट में 3 से 4 गोलियाँ मारी। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर गोलियों के निशान भी हैं। ये देखिए, ये निशान पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये 3 जो खाली कारतूस हैं ये नीचे गिरे और इसके अलावा आप देखिए, चौथा जो बुलेट का मार्क है वो पुलिस ने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो 4 बुलेट के मार्क यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और आसपास पुलिस ने ये एक पट्टी लगाई हुई है। बाबा सिद्दीकी को जब गोलियाँ मारी जा रही थी तब यहाँ पर पटाखे चल रहे थे, लोगों को समझ नहीं आया क्या हुआ है। लेकिन इसी बीच जब बाबा सिद्दीकी यहाँ नीचे गिरे, उसके बाद जो भीड़ यहाँ पर शोभा यात्रा में चल रही थी उसको समझ में आया कि यहाँ पर कोई किसी ने किसी पर हमला कर दिया है और शूटर इसी बीच यहाँ से आगे निकलते हैं और लोग उन शूटरों के पीछे भागते हैं। आगे कुछ ही दूरी पर जाकर, सामने यहाँ से करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर जाकर एक पुलिस का नाका है। उस नाके पर पुलिसकर्मी पहले से खड़े हुए थे, शूटरों के पीछे भीड़ आ रही थी और पुलिस को लगा कि कोई शख्स है जिसने किसी की चेन खींच ली है और उसके पीछे जो पब्लिक है वो भाग रही है। तो एक शूटर धर्मराज को आगे नाके पर पकड़ लिया गया, दूसरा शूटर जो गुरमेल था जो कि हरियाणा का रहने वाला है वो नाके से आगे निकलकर आगे एक पार्क है उस पार्क में छिप गया, वहाँ पर उसे पकड़ लिया गया। लेकिन शिवा और जो चौथा शूटर जीशान है वो भागने में कामयाब रहे और फिलहाल वो गायब हैं। तो इस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जब ये फायरिंग हुई उस वक्त रात में करीब 9:15 हुए थे और उसी दौरान बाबा सिद्दीकी पर
ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और सभी गोलियां एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से यानी कि बहुत नज़दीक से बाबा सिद्दीकी को मारी गईं। 3 से 4 गोलियां उनके सीने और पेट में लगीं और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। लेकिन एक बात साफ है कि शूटर काफ़ी पहले से इस इलाके की रखी कर रहे थे कि बाबा सिद्दीकी आखिर कब आते हैं, कब जाते हैं, उनका टाइमिंग क्या है, और शूटर यहाँ पर पहले से ही आकर खड़े हुए थे और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर दी। मुंबई के बैंड्रा से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। इसके जुड़े हुए जो और भी एंगल हैं वो भी आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले KP रघुवंशी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व ATS चीफ हैं मुंबई के, हमारे साथ OP सिंह साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रघुवंशी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एंगल है, कुछ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आपस में जो नेक्सस था ये गैंग वॉर का एक मामला है, मुंबई में अभी भी जो कहा जाता है इतने सालों बाद भी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उसको लेकर लोगों की चिंताएं बरकरार हैं, किस तरीके से इस सनसनीखेज घटना को आप देख रहे हैं? थैंक यू अंकित फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस की तत्परता से ये दो आदमी तुरंत पकड़े गए हैं। मुंबई के लिए ये गैंग वार या मुंबई के लिए इस तरह की फायरिंग कोई नया नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत वर्षों के गैप के बाद मुंबई पुलिस ने जिस तरह से अंडरवर्ल्ड को ख़त्म किया था, आपके याद हो 96, 97, 2000, 2005 तक किस तरह से अंडरवर्ल्ड मुंबई पर राज कर रहा था। ये जो जब भी कभी इस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम ने मुंह उठाया है, मुंबई पुलिस ने उसको बहुत अच्छे से दबाया है। यहाँ पर भी ये आपको देखने को मिलेगा कि दो लोग तुरंत पकड़े गए, हालांकि दो भाग गए। अब ये एक चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरह से अंडरवर्ल्ड को मुंबई पुलिस ने ख़त्म किया था, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का चीफ कहीं बैठा हो, दिल्ली बैठा हो, लखनऊ बैठा हो या मुंबई में भी बैठा हो, ये वापस से इस तरह की घटनाएं होना ये चिंता का विषय है। मेरे अच्छी तरह से याद है एक ज़माना था, चाहे एक पॉलिटिकल लीडर हो, हर्षू अडवाणी का अगर मैं नाम लूँ, या फिल्मी दुनिया हो, फिल्में अबू सलीम किस तरह से बॉम्ब बॉलीवुड को रूल कर रहा था, दाऊद इब्राहिम वहाँ पर बैठे हुए, या बड़े बिल्डर्स हैं, एक ज़माना था कि ये बहुत हर तीसरे दिन आठवें दिन सुनने को मिलता था। लेकिन मुंबई पुलिस की तत्परता और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइज एक्ट है उसको लागू करके जो जिस तरह से उस पर अंकुश लगता है उसमें उसे दोबारा से शुरू करने का या अंजाम देने का काम अंडरवर्ल्ड फिर से वापस कर रहा है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। सर बने रहिए हमारे साथ। OP सिंह साहब, कई सवाल इस वक्त, जैसे मुंबई पुलिस ने दो लोगों को पकड़ तो लिया है लेकिन अगर इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति का जिनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, अगर इस तरीके से उनकी हत्या की जा सकती है तो सवाल उठता है कि फिर आम लोगों के लिए एक भय का माहौल ज़रूर बनता है, तो क्या इसको माना जाए कहीं ना कहीं दोबारा से कानून व्यवस्था को देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, या जो ऑपोजिशन वहाँ पर कह रहा है कि जो कानून व्यवस्था है वो लचर होती जा रही है? देखिए अंकित, मैं तो इस बात को मानता हूं कि एक बहुत ही ग्रूसम मर्डर हुआ है और वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी की हत्या की गई है, और वो भी हत्या इस तरह की गई है जैसे एक बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड एक्ट हो, इंटेलिजेंस बेस्ड हो, एक फेस्टिवल के दौरान की गई जिसमें शूटर्स आते हैं और आकर वो अपना अंजाम देते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। ठीक है, ये सही है कि दो शूटर्स को हम लोगों ने पकड़ लिया है, लेकिन दो जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, दो शूटर्स वो भाग निकले, वो काम भागने में सफल हो पाए, तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी की कुछ हद तक फेलियर रही है कि जिस व्यक्ति को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर है, उस व्यक्ति को आपने 15-20 दिन पहले थ्रेट असेसमेंट के बेसिस पे उसकी सिक्योरिटी को अपग्रेड किया, आपके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होंगे, इंटेलिजेंस होंगे, जिसके वजह से आपने उसके थ्रेट को असेस किया होगा और उसके बाद वाई कैटेगरी दिया, और उस वाई कैटेगरी देने के बाद 15 दिन के बाद उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। मैं समझता हूँ कि ये पुलिस पे एक सवाल खड़ा करता है, और गैंग जो क्राइम सिंडिकेट है जिसके बारे में
हमारे अदर पैनलिस्ट ने कहा, रघुवंशी साहब ने कहा, वो हमारे सीनियर और पुलिस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने सही कहा कि 90s के समय में जो गैंगस्टर वॉर, गैंग वॉर होते थे, उन गैंग वॉर का एक तरह से कुछ हद तक हमें झलकियां मिल रही हैं। किसी का भी ये हाथ हो, जैसे कहा जा रहा है कि शायद बिश्नोई गैंग का हाथ है, तो बिश्नोई गैंग का हाथ जो है वो कहाँ तक उसका ऑपरेशंस और उसका लिंकेजेस बढ़ रहा है, ये बहुत ही चिंता की। सर, इसी पर मैं आपसे जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछना चाहूंगा रघुवंशी साहब के पास जाने से पहले। जो हमने ये मोडस ऑपरेंडी देखा है, बार बार हम देख रहे हैं, जैसे चाहे वो कनाडा में किसी सिंगर के घर के बाहर शूटिंग हो, सलमान खान के घर के बाहर इस तरह का ये फायरिंग हो जाए, और अब ये हत्या का मामला हो। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है, उसके बाद भी किस तरीके से ये गैंग पूरा काम कर रही है, और खास तौर से यूपी, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया के लड़कों को ले जाकर इस तरह के जो अंजाम दिए जा रहे हैं, ये काफी चिंताजनक बात है। कैसे इतनी आसानी से जेल में बैठा हुआ एक आदमी इस तरीके की हत्या प्लान कर सकता है? अंकित, बिल्कुल सही आपने कहा, और जिसकी बारे में मैंने पहले कहा कि ऑपरेशंस और लिंकेजेस ये जिस तरह बढ़े हैं, ये व्यक्ति बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो साबरमती जेल में बंद है, और जेल से वो ऑपरेट कर रहा है, और वो नॉर्थ इंडिया बेस्ड ऑपरेशन की तरह काम कर रहा है। वो केवल पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, पंजाब गोल्डी बरार के सौजन्य से वो कर रहा है, राजस्थान में फ्यूजटिव जो रोहित गुरारा है उसके तरह कर रहा है, हरियाणा और NCR में वो काला जेठेरी गैंग्स के साथ मिलकर कर रहा है। अगर आप सलमान खान के कुछ दिनों पहले फरवरी या मार्च में या अप्रैल में जब उनके घर के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें भी देखेंगे कि बिहार के दो लड़के जो बिल्कुल मामूली थे, जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था, उसको पकड़ा गया और उन पे शक किया गया। इसी तरह ये जो चार शूटर्स हैं, उन चार में जो दो पकड़े गए हैं, उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। गुरमेल का होता है क्रिमिनल हिस्ट्री हो, बहुत छोटी सी क्रिमिनल हिस्ट्री है, लेकिन बेसिकली दे आर जस्ट नॉन प्रोफेशनल और बहुत बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड नहीं है, फिर भी उन्होंने इस शूट को अंजाम दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये चिंता का विषय है, और 90s और अब के जो गैंग वॉर हो रहे हैं, उन गैंग वॉर में जिस तरह इलेक्ट्रॉनिकली जेल से ऑपरेट किया जा रहा है, उनके टेलीफोन कॉल्स हो रहे होंगे, CCTV का फुटेज हमें मिलेगा बाद में, लेकिन ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है और किस प्रकार ये रीच को और एक्सपांस बढ़ रहा है जी। तो का कहना बिल्कुल सही है कि कोई भी गैंग हो, चाहे वो लॉरेंस का गैंग हो या कोई भी गैंग हो, ये बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बेस्ड, जिसने 25-25, 30-30 दिन रेकी किया, और रेकी करने के बाद एक फेस्टिवल के दिन उसने इस प्रकार का जो एकदम भयभीत नहीं था कि हजार संख्या में लोग उस रोड पे जुलूस निकाल रहे हैं, दुर्गा पूजा का विसर्जन का माहौल है, और उसके बावजूद इस शूट को अंजाम दिया, ये बहुत ही चिंता का विषय है। रघुवंशी साहब, तो क्या माना जाए, क्योंकि एक बार फिर से जैसे अभी खबर ये भी आ रही है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान और दाऊद इब्राहिम के साथ कोई व्यक्ति दिखेगा, उनके साथ का कोई व्यक्ति होगा, हम उससे बदला लेंगे। तो कितना एक्टिव अभी ये जो अलग अलग गैंग्स हैं ऑलरेडी मुंबई में, इससे पहले ऑर्गेनाइज क्राइम, चाहे वो दाऊद इब्राहिम का गैंग रहा हो, छोटा राजन का गैंग रहा हो, अब एक ये नया सिरदर्द लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी वहां पर इतना एक्टिवली काम कर रहा है, तो क्या माना जाए कि मुंबई के अंदर एक बार फिर से एक बड़े लेवल पर पुलिस को ऑपरेशन चलाने की आवश्यकता है? देखिए, मैं ये आपको बता दूं कि अगर इस तरह की ये बड़ी दुर्घट घटना हुई है, इसमें कोई शक नहीं, और अच्छी बात यह है कि दो आरोपी पकड़े गए हैं, पूरा का पूरा कॉन्स्पिरेसी क्या है ये सामने भी आ जाने वाला है, लेकिन जेल में बैठ करके गैंगस्टर या बाहुबली का गैंग चलाना और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत पुराना धंधा है। आपके याद होगा मुंबई में अरुण गोली पहले बैठकर क्या करता था, और बिहार और यूपी में तो ये बाहुबली किस तरह से जेल में रह करके करते थे। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब कभी इस तरह का होता है, जो नॉन क्रिमिनल होते हैं, जैसे ओपी सिंह साहब ने बताया, जो नॉन क्रिमिनल होते हैं उनको तो हम जल्दी से खंगाल लेते हैं, लेकिन जो नए नए लड़के होते हैं वो पैसे के लालच में, प्योरली पैसे के लालच में, इनिशियली 5,000-10,000 रुपये में, जब पहले जो केस हुए हैं, जो पकड़े गए हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेकर के वो आते थे, एक उनको वेपन दिया जाता था, यहाँ वो मर्डर करते थे और फिर वापस चले जाते थे। ये तो केवल मोबाइल आने के बाद में और उससे ट्रैकिंग होने के बाद में थोड़ा आसान हो गया, और पुलिस मशीनरी ने जो अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ये जो सबसे इसमें जो देखने वाली चीज़ है, जिसमें जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो सबसे कमजोर पहलू है, वो ये है कि जो करेक्शनल होम है, जिनको हम जेल बोलते हैं,
जेल में बैठ करके अगर आदमी आइसोलेट कर दिया जाता है, उसको स्ट्रोंग सेल में रखा जाता है, बाहर के लोगों से कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो कैसे ऑपरेट कर सकता है? सोचने वाली बात यह है, इसका मतलब यह है कि उसको बाकी सुख सुविधाएं या जो उसकी जरूरत की चीजें हैं वो उसको मुहैया हो रही है, वो बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट में है, उसके पास जब भी कभी जेल का सर्चिस वगैरह लिए गए हैं, बहुत बार मोबाइल ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो और उसमें फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी इसमें आता है, जिसके कारण से जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो एक करेक्शनल होम का जो जिसको हम जेल बोलते हैं वहां पर बैठ करके ऑपरेट कोई आदमी कर सकता है, इसका मतलब है कि वहां बहुत बड़ी कमजोरी है, उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक आप मुंबई का जी सॉरी, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ बने रहिए सर, मैं थोड़ा सा इस पे और आप लोगों से जानकारी चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले जो शूटर्स हैं मुंबई के कुर्ला में, एक महीने से जैसे हमारे दोनों मेहमान रघुवंशी साहब और ओपी सिंह साहब बता रहे थे कि काफी लंबी रेकी करने के बाद बिल्कुल एक सोची समझी बिल्कुल एक साजिश रची गई थी, तो एक महीने से किराए पे वो मुंबई में रह रहे थे। अब जाहिर सी बात है अगर ये मुंबई आए थे तो इनका काम यही होगा कि रोज जाके देखना कि बाबा सिद्दीकी क्या करते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कितनी सुरक्षा है। कुर्ला से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी, पहले आप वो देख लीजिए फिर उसके बाद वापस चर्चा पे चलते हैं। इस वक्त मैं हूँ मुंबई के कुर्ला इलाके में, ये वो इलाका है जहाँ बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर यहाँ करीब एक महीने तक किराए पर रहे। मुंबई पुलिस के मुताबिक चारों शूटरों ने यहाँ पर 14,000 में एक कमरा किराए पर लिया था और उसी एक कमरे में चारों शूटर रह रहे थे, शिवा, धर्मराज, जिशान और गुरमेल। ये चारों शूटर यहाँ पर एक कमरे में किराए पर रह रहे थे और यहीं से वो निकलकर बाबा सिद्दीकी की रेकी करते थे कि बाबा सिद्दीकी कब दफ्तर जाते हैं, कब दफ्तर से वापस लौटते हैं, उनके घर और दफ्तर की रेकी लगातार वो यहाँ से रहकर कर रहे थे। जहाँ पर ये घटना हुई है बांद्रा इलाके में, वहाँ से यहाँ तक की दूरी करीब 8 से 9 किलोमीटर है और चारों शूटर यहाँ से कई बार गए हैं और उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो शूटर हैं वो इसके पहले भी जब सलमान खान पर हमला करने आए थे तो पनवेल इलाके में करीब एक महीने तक किराए पर रहे थे और रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान भी वो काफ़ी लंबे समय तक मुंबई में रहे थे, हालांकि वो सलमान खान पर हमला करने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन काफ़ी लंबे लंबे समय तक उसके शूटर यहां किराए पर रहे हैं तमाम इलाकों में। और ये कुर्ला वो इलाका है जहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर किराए पर रहे हैं। तो अभी जो मुंबई पुलिस है वो यहाँ के जो मकान मालिक हैं जहाँ पर वो शूटर किराए पर रहे हैं उस मकान मालिक से पूछताछ कर रही है। जानकारी ये मिली है कि 2 सितंबर को ही यहाँ पर शूटर आ गए थे, उसके बाद शूटरों को हथियार मुहैया कराए गए, उनको कहाँ पर जाना है वो लोकेशन दी गई और किस तरह से पूरे हत्याकांड को अंजाम देना है, कब हत्या करनी है, कब हमला करना है, ये भी उनको लगातार बताया जा रहा था और इसको कोऑर्डिनेट कर रहा था जिशान, जो कि पंजाब के जालंधर का रहने वाला है और पटियाला जेल में लंबे समय तक बंद था। ये सभी लोग तमाम अलग अलग जो इनके सिंडिकेट के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे और रकी करने के बाद इस पूरे हत्याकांड को इन लोगों ने अंजाम दिया। मुंबई के कुर्ला इलाके से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। थोड़ा और समझते हैं कि किस तरीके से ये जो इस तरीके के क्रिमिनल लोग हैं वो कैसे ये साजिशें करते हैं। ओपी सिंह साहब, जैसे आप बता रहे थे कि ये एक बहुत वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन लगता है, शायद इसी वजह से एक महीने से लगातार ये लोग वहीं पर रह रहे थे, रेकी कर रहे होंगे, मूवमेंट्स को स्टडी कर रहे होंगे कि इन्हें किस तरीके से हमला करना है। सर, लेकिन एक जो चिंता की बात जिस पर आप पहले भी प्रकाश डाल रहे थे, कैसे बिल्कुल यंग लड़के नॉर्थ इंडिया से, यूपी से या कहीं और से भी, जिनका कोई क्रिमिनल बहुत खास हिस्ट्री नहीं है, ये इतनी आसानी से रिक्रूट कैसे हो जाते हैं? क्योंकि अगर ये अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है तो प्लानिंग के बाद कहीं ना कहीं कोई तो तार ऐसा जुड़ रहा होगा जो इन लोगों को रिक्रूट करके यहाँ पर भेज रहा है। बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए इन लोगों को दिए गए थे और उसके लिए किसी की हत्या करने को तैयार है।
नहीं अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा, आज के जमाने में डिजिटल एज में जो हमारा लिंकेजेस है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ रहा है, और कोई भी मास्टरमाइंड है, इस केस में अगर हम ये मानकर चलें कि लॉरेंस बिश्नोई का ये गैंग है, तो वो आदमी जो मास्टरमाइंड है, जो गैंगस्टर है, जो लीडर है, वो किसी जेल में पड़ा है और उसके पूरे कॉन्टैक्ट्स हैं। मैंने पहले भी आपको कहा कि पंजाब में किस तरह वो किसके द्वारा काम कर रहा है, हरियाणा और NCR में किसके द्वारा कर रहा है, राजस्थान में किसके द्वारा कर रहा है। इन सब सभी चीज़ों का एकमात्र अभिप्राय यही है कि वो बहुत बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक ढंग से वो क्राइम सिंडिकेट को चला रहा है, और उस क्राइम सिंडिकेट में जो भी लोग मिल रहे हैं, जो भी उसके कॉन्टैक्ट में हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, सुपारी की किलिंग है, इसलिए बहुत मैटर ये नहीं करता कि प्रोफेशनली प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं या हिस्ट्री जिनकी बहुत कुछ नहीं है। आप देखिए कितनी मुकेश सिंह सेंगर की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कम से कम 3-4 सिमिलैरिटीज सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को इंगित करता है। दोनों केसेस में क्रिमिनल्स शूटर्स जो हैं वो बहुत हेवी लोडेड क्रिमिनल्स नहीं है, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों जो हैं मुंबई से बाहर के हैं, कुछ पंजाब के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ बिहार के हैं, और उनमें से कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ अभी भी भागे हुए हैं, और उन सबों का एक मास्टरमाइंड से लिंक है, और वो लिंक है कि वो रेकी कर रहे हैं, पिछले एक एक महीने से रेकी कर रहे हैं। उस रेकी करने के माध्यम से 7-8 किलोमीटर दूर वो किसी किराए के कमरे में रह रहे हैं। सो सिमिलैरिटीज बहुत बहुत ही सिमिलैरिटीज हैं, और उस सिमिलैरिटीज में आप समझ सकते हैं कि वो मास्टरमाइंड जो है उसका माइंड किस तरह ज्योग्राफिकल रीच की तरफ बढ़ रहा है। जी करने का तरीका है कि आप 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख अगर किसी ऐसे नॉन प्रोफेशनल बहुत ही नौसिखवे टाइप के क्रिमिनल्स को आप दें, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, और उनको केवल अंजाम देना है, एग्जीक्यूट करना है। वो तो हम इसको समझ रहे हैं कि वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि उस दिन कल की घटना जो हुई है वो भीड़ भाड़ इलाके में हुई है ताकि वो पकड़ लिए गए। अगर वो शायद सुनसान इलाके में होता तो वो चारों शूटर्स पकड़े भी नहीं जाते। वो तो क्राउड जो है, क्राउड ने उसका कमाल दिखाया, अदरवाइज हमारी लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल कर गई थी। बिल्कुल, चार शूटर्स जो है वो एक महीने से किसी घर में रह रहे हैं, किसी कमरे में रह रहे हैं, डेली रेकी कर रहे हैं, उसी जगह पे बार बार आ रहे हैं, और लोकल इंटेलिजेंस LIU किसी को पता नहीं चला। ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। रघुवंशी साहब, यही सवाल एक बार बार उठ भी रहा है कि अगर 15 दिन पहले उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी मिली है, थ्रेट परसेप्शन बढ़ा है, मुंबई पुलिस वाई सिक्योरिटी भी उनको देती है, तो क्या ये चूक हुई? अगर ये इस तरह की रेकी हुई होगी, लगातार वो एक महीने से वहां पर आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, तो इंटेलिजेंस में कहीं आपको लगता है कि चूक हुई? देखिए, अगर कोई भी इवन छोटा जो क्राइम होता है, चाहे वो चेन स्नेचिंग जैसा क्राइम आप ले लीजिए या घरफोड़ी का जो क्राइम है उसको ले लीजिए, कोई भी क्राइम क्रिमिनल जो है सबसे पहले वो पोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊँगा क्या। तो उसके लिए वो रेकी करना, छोटे से क्राइम से लेकर के, हम लोगों ने ब्लास्ट भी देखे हैं, हर एक केस में रेकिंग तो बहुत वो रेकी करना तो बहुत जरूरी हो जाता है, जब ताकि उनको जो भी इंफॉर्मेशन अपने आप इकट्ठी करनी है, फिजिकली आना है या उनको इंफॉर्मेशन दी गई है ताकि वो अपना काम करने के बाद में वहाँ से सुरक्षित निकल सकें। तो ये रेकी तो निश्चित रूप से वो 15 दिन पहले, एक महीने पहले आके क्या गया। लेकिन आप ये भी जानिए कि मुंबई और जो कुर्ला का इलाका है वो किस तरह का इलाका है। मुंबई एक बहुत ही क्राउडेड सिटी है, यहाँ पर आपको झोपड़पट्टी या छोटे छोटे घर, जो लोग बाहर पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ जॉब करने के लिए आते हैं, छोटे बड़े 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के ऐसे भी हैं कि एक एक छोटे कमरे में लोग शिफ्ट में रह कर काम करते हैं, शिफ्ट में रह कर रहते हैं और यहाँ पर मजदूरी करते हैं, अपना पेट भरते हैं और बाहर से चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई आकर के यहाँ पर रहता है इतने बड़े शहर में, उसके बारे में जानकारी लेना या जानकारी मिल जाना वो उतना आसान नहीं है कि अगर हम ये कह दें कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। मैं इसको इंटेलिजेंस फेल्योर का, मैं OP सिंह साहब से इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुंबई जैसी जगह में बाहर से लोग आ करके अपना पेट भरने के लिए एक एक कमरे में कई कई महीनों तक रहते हैं और पेट भरते हैं। तो अगर सीधा कोई आदमी, सर एक सेकंड में आपको यहां पर रोक रहा हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, इस हत्याकांड से जुड़ी हुई एक खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। फेसबुक पर जिसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नुमाइंदा माना जा रहा था, जिसने जिम्मेदारी ली थी
इस हत्याकांड की, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। दो शूटर अभी भी फरार हैं, जिसके लिए 15 मुंबई पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर कोशिश कर रही है ढूंढने की। लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है, और ये गिरफ्तारी हुई है फेसबुक पर जिसने पोस्ट लिखकर यह जिम्मेदारी ली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यह काम है, और यह कहा था कि दाऊद और सलमान खान का जो साथ देगा उसका यही अंजाम होगा। इस तरह की एक बात फेसबुक पर कही गई थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि तीसरी गिरफ्तारी अब इस मामले में हुई है। अब शायद इसके बाद जो है पता चलेगा कि क्या ये व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है या नहीं है, या इसने ऐसे ही ये बात लिखी थी। अब इन सब चीजों की तहकीकात मुंबई पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद करेगी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आप दोनों का, ओपी सिंह साहब और केपी रघुवंशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र चुनाव की गहमा गहमी के बीच दशहरे के दिन शनिवार देर रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की जानकारी सबसे पहले एनडीटीवी ने दर्शकों को दी। बाबा सिद्दीकी की हत्या कोई आम हत्याकांड नहीं था, और सबसे पहले एनडीटीवी ने बताया कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो सकता है, और हत्याकांड का बॉलीवुड कनेक्शन भी हो सकता है। इस मामले में एनडीटीवी इंडिया ने सबसे पहले आपको ये भी जानकारी दी कि बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए 2 लाख से ज्यादा की सुपारी दी गई थी। 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को एक अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी थी। क्या वक्त रहते इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं ली गई और आज ये हकीकत बन गई। आपने ये खबर सबसे पहले एनडीटीवी पर देखी। एनडीटीवी ने ही सबसे पहले बताया कि बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की घटना के बाद किस तरह से उनके करीबी सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई, और साथ ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर भी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। एनडीटीवी ने घटना के तुरंत बाद बता दिया था कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले के 3 में से 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के गंडारा गांव में रहने वाले हैं, और उसी गंडारा गांव में मैं उस आरोपी के घर में मौजूद हूं, जो आरोपी इस वक्त पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। सियासत में भाषा का बड़ा महत्व है, उसकी मर्यादा बनाए रखने की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन मुंबई में दशहरा रैली के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भाषा की इस मर्यादा को तार तार करने का आरोप लगा है। रैली में उद्धव ठाकरे ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ अन्य उद्योगपतियों पर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को उनके बयान के लिए आड़ों हाथों लिया, और एनडीटीवी से बातचीत में उद्धव ठाकरे का जो बयान है कहा कि वो उनकी मानसिकता दर्शाता है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना नेता संजय निरुपम मौजूद है। सर, कल उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली के मौके पर भाषण किया, कई मुद्दे उपस्थित किए, यहाँ तक कि उन्होंने रतन टाटा का जिस तरह से निधन हुआ है उस पर दुख भी व्यक्त किया, लेकिन उसी दौरान एक उद्योगपति का नाम ना लेते वो इशारों में वो क्यों नहीं चले जाते, इस तरह की बात कह दिए, इस तरह के व्यक्तिगत हमले क्या आपको लगता है इस राजनीति में ठीक है? ठीक मतलब ये बहुत ही शर्मनाक है। एक पार्टी का प्रमुख अपनी पब्लिक मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं के सामने इस प्रकार की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि रतन टाटा जी की मृत्यु हुई तो हमको बहुत बुरा लगा, लेकिन जिन्होंने मुंबई का सॉल्ट पैन लेक ले लिया, मीठा घर ले लिया, वो क्यों नहीं मर जाते, इसका हमको तकलीफ हो रही है, ये कह रहे हैं ना भाई। और वो सॉल्ट पैन लेने वाले कौन? गौतम अदानी साहब। अब किसी भी उद्योगपति या किसी व्यक्ति के मरने की कामना करना ये एक नीचता की श्रेणी में आता है, यह इंसानियत के सारे दायरे से बाहर है। तो क्या राजनीतिक विरोध के चक्कर में उद्धव ठाकरे जी ने अपनी पूरी मनुष्यता छोड़ दी है क्या? क्या वो अब इंसान भी नहीं रह गए हैं क्या?
धारावी का जो विकास है वो बिल्कुल अलग विषय है, और उस विषय के ऊपर हमारा साफ साफ कहना है कि वहाँ पे लगभग 2 लाख के आसपास जो रहवासी हैं, चाहे वो वैध हों या अवैध हों, सबका सबको अच्छा घर, उनके सपनों का घर मिलने जा रहा है। 20 साल से धारावी के पुनर्विकास की योजना बन रही थी, आज तक लागू नहीं हुई। पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे मुंबई को एकनाथ राव शिंदे जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि आखिरकार वर्षों से एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में जो नारकीय जिंदगी जी रहे हैं लोग, उनको एक अपना अच्छा घर, अच्छा परिसर, अच्छा वातावरण देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज अदानी जी हैं, कल कोई और बिल्डर होता, लेकिन कम से कम धारावी का विकास तो हो रहा है। तो ऐसे धारावी का विकास करने वाले एक उद्योगपति के मर जाने की कामना करना, मुझे लगता है कि यह है उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही अशोभनीय है। अगर बाला साहब होते तो जरूर उनको डांट करके चुप करा दिए। उन्होंने कल ये भी कहा कि सरकार अगर हमारी आई, जो कि आने वाली है ऐसा दावा वो कर रहे हैं, तो ये धारावी प्रोजेक्ट को जो है रद्द कर दिया जाएगा। यानी इस जो ये जो बार बार कहते हैं कि सरकार जो हमारी आई जो कि आने वाली है, ये बिल्कुल उसी तरह का एक दिन में देखा हुआ सपना है जैसे कांग्रेस वाले हरियाणा में देख रहे थे। वो तो 60 और 72 सीट की गिनती करके बैठे हुए थे, क्या हुआ हरियाणा में आपने देख लिया। बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी जो कि महाविनाश अघाड़ी है, उसकी सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि तीनों पार्टियों में इतना भयंकर झगड़ा चल रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। और माननीय शरद पवार जी ने कह दिया कि जिस पार्टी के पास सर्वाधिक MLA होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब ये हो गया कि उबाठा कांग्रेस के MLAs को टारगेट करेंगे कि इनकी संख्या कम हो, और कांग्रेस वाले चाहेंगे कि उबाठा के MLA की संख्या कम हो, और दोनों पार्टियों के MLA की संख्या कम हो ये शरद पवार खुद चाहेंगे, और इस चक्कर में तीनों निबट जाएंगे। एक तो पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है कि महाराष्ट्र में इस समय एकनाथ राव शिंदे जी के नेतृत्व में और उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों, खासकर अपने देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार जी, तीनों लोग मिलकर के इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और इतने अच्छे से विकास का और जन कल्याण का कार्यक्रम चल रहा है कि उसके प्रति लोगों के अंदर एक पूरी मतलब इस सरकार ही लाड़ का सरकार हो गई है। जो लाडली बहनें हैं उन सबने मिलकर के इस सरकार को लाड़का लाडला सरकार कहा है। तो ऐसी लाडली सरकार पुनः आए और लाडली बहनों की सेवा जारी रहे, उनका सम्मान जारी रहे, इसके लिए यह सरकार फिर से आएगी। ऐसे महाराष्ट्र के लोगों की कामना है, महाविकास अघाड़ी के लोगों को उसके संकल्प लेने से कुछ नहीं होता। एक कल उद्धव ठाकरे ने भाषण के दौरान, उन्होंने जब वो बतौर मुख्यमंत्री शिवाजी पार्क में शपथ ली थी, उसकी भी क्लिप लोगों को दिखाई, तो क्या वो बार बार सपने आ रहे मुख्यमंत्री बनने के? तो जैसा कि मैंने कहा कि उनकी सरकार आने वाली नहीं है, और इसलिए धारावी का जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है कोई अब बदल नहीं सकता। धारावी विकास के महामार्ग पर चल पड़ा है, अब वो धीरे धीरे धारावी का विकास होकर के रहेगा। अब रह गई बात उनको जो एक पुरानी क्लिप, जिनका अतीत, जिनका वर्तमान खराब हो जाता है ना, वो अतीत जीवी हो जाते हैं, वो हमेशा अतीत के खुशनुमा पलों को याद करते हैं और उसको एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और वही उनकी ज़िंदगी का मकसद रह जाता है। तो अब जो 2019 में नवंबर महीने में 28 नवंबर को जो महाराष्ट्र के साथ एक हादसा हुआ था, जिस हादसे के तहत शिवाजी पार्क में ये मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली थी, जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में आगे के दो ढाई साल तक बर्बाद हो गए, जिसमें हमारे 3 साधुओं की लिंचिंग की गई और चुपचाप तमाशा देखते रह गए, ऐसी सरकार वापस नहीं आने वाली है और उद्धव ठाकरे जी दोबारा मुख्यमंत्री कतई नहीं बनने वाले। शुक्रिया बात करने के लिए। तो उद्धव ठाकरे ने मुख्य तौर पर बहुत ही संवेदनशील रहते हुए इतने बड़े व्यक्ति पर किस तरह से बयानबाजी करनी चाहिए, ये सलाह जो है वो संजय निरुपम ने उनको दी, और बहुत ही खेदजनक ये बयान जो है उद्धव ठाकरे का रहा है ये संजय निरुपम ने साफ किया है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए। वहीं बीजेपी नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नावरेकर ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो कहा वो समाज को पसंद नहीं आएगा। उद्धव ठाकरे ने भाषण किया जिसमें उन्होंने रतन टाटा के जाने का दुख जताया, लेकिन उद्योगपति का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि कुछ लोग यहाँ पर मीठा घर हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जाने से अच्छा वो चले जाते। ये इस तरह से पर्सनल इस तरह से अटैक करना है, ये तो हर व्यक्ति अपने समझ की के हिसाब से और अपनी कुवत के हिसाब से बात करता है। जिनकी
समझ है ऐसी बात करना जिनको ठीक लगता है वो ऐसी बात करते हैं, लेकिन समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे जैसे बड़े व्यक्ति ने इस तरह से सार्वजनिक मंच से अगर किसी के खिलाफ गुस्सा भी हो इस तरह की बातें रखना कि ये जल्दी दुनिया से चले जाए। हर एक व्यक्ति ने अपने आचार और विचार का आकलन खुद करना चाहिए। अच्छा, दूसरा कल जिस तरह से बाबा सिद्दीकी सीनियर नेता की हत्या कर दी जाती है, क्या लग रहा है आपको, क्या आपका इस पूरे को एपिसोड को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही दुख देने वाली ये घटना है। बाबा सिद्दीकी जी हमारे कलीग रह चुके हैं विधान विधिमंडल में, उन्होंने इस राज्य का मंत्री पद भी निभाया है, और ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना इस परिस्थिति में ये बहुत ही दुखनीय है, और राज्य सरकार निश्चित रूप से ऐसे एपिसोड पे ऐसे क्राइम के ऊपर बहुत ही सीरियस एक्शन लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आतंकी वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वैचारिक दिवालियापन का शिकार हो रहे। लगातार हार पर हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वैचारिक दिवालियापन आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी के शिकार होते चले जा रहे हैं। जब जमीन पर कांग्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और उनके नेतृत्व में जो जन कल्याण गरीब कल्याण नीतियों योजनाओं और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो उसका पूरा शीर्षस्थ नेतृत्व भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने के साथ साथ देश को बदनाम करने में लग गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था आपको भी सुनवाते हैं। मोदी कहते हैं कि कांग्रेस एक अर्बन नक्सल का गैंग चला रहे कांग्रेस पार्टी, और उनका हमेशा कहना वही है, अभी भी वही कहते हैं। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, ट्राइबल लोगों को लाके रेप करते हैं, तो टेररिस्ट पार्टी तो उनकी है। और जो लोग करते हैं उन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं।